सो वेलकम बैक। मैंने लास्ट वीडियो में वॉल्यूम वाला दोनों सेल्स फिल किया था। नाउ आई हैव टू फिल द इंटायर टेबल, इंटायर रिपोर्ट सेम तरीके से फिल करेंगे। ऑब्वियसली बार बार हमें वैल्यूज एक्सट्रैक्ट नहीं करने अपने पिवट टेबल से। जस्ट वन सेकेंड, एक छोटा सा चेंज मैं कर दूँ। ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट किया था, राइट? तो आपको भी सेम चीज़ करना है। नाउ यहाँ पे हमने क्या देखा था, सम ऑफ वॉल्यूम पिवट टेबल A3 ईयर C2 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों हमने किया था? बिकॉज हमने 1000 में डील करना है नंबर से, एंड ईयर हमने यहाँ पे C2 बना दिया। अब मुझे ये सेम फंक्शन सारे टेबल में कॉपी करना है। सो एक चेंज, जो फर्स्ट चेंज मुझे करना है इज C2। C2 में दिस सेल शुड बी फिक्स्ड फॉर ऑल 2015 फॉर द एंटायर कॉलम, एंड फॉर 2016 अगेन दिस शुड बी फिक्स्ड फॉर द एंटायर 2016 कॉलम। तो जब मैं ये फंक्शन नीचे कॉपी करूँगी तो C2 से क्या हो जाएगा, C3, C4, C5 हो जाएगा। तो मुझे वो नहीं करना चेंज, तो इसीलिए मैं 2 के पहले एक एब्सोल्यूट साइन लगा दूंगी। क्यों एब्सोल्यूट साइन लगाने? क्योंकि हमें ये जो C2 है ये सेल कांस्टेंट चाहिए। तो जब मैं ये वाला फंक्शन सपोज़ यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ कॉपी किया, तो नीचे जब कॉपी करते हैं रो वाइज जब जाते हैं तो रो नंबर चेंज हो जाते हैं। तो मुझे रो नंबर चेंज नहीं करना, आई वॉन्ट टू कीप इट सेम। खाली मुझे कॉलम चेंज करना है। क्यों कॉलम चेंज करना है? बिकॉज ऑब्वियसली वापस से मैं करके दिखाती हूँ इसको, जब राइट ट्रैक करें तो मुझे कॉलम खाली चेंज करना है D2। रो सेम रखना है, खाली कॉलम चेंज करना है। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, क्या आप बोलोगे यहाँ पे हर बार हम क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए वापस से हम इक्वल टू करें एंड वापस से उधर सेलेक्ट करने जाएं? इतना मेहनत करें और वापस से फिर सारे जो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे हमारे मंथ 01 ब्रांड वो सब हटा के वापस से करें? नहीं, उतना मेहनत हमें नहीं करना है। वी डोंट हैव टू डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क। बहुत स्मार्टली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने डेटा को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये सम ऑफ वॉल्यूम की जगह पे ऐसा ऐसा कुछ करते हैं ताकि अपने आप सम ऑफ वॉल्यूम, सम ऑफ ग्रॉस सेल्स। नाउ वन थिंग कि ये बार बार सम ऑफ वॉल्यूम, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ जो कॉस्ट ग्रॉस सेल्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज बेसिकली दिस इज द सम ऑफ द ऑल द वॉल्यूम सोल्ड इन 2015 इन फर्स्ट मंथ अंडर द ब्रांड बर्टिनो। आई जस्ट शो इट टू यू। अंडर द ब्रांड बर्टिनो फर्स्ट मंथ में टोटल कितना वॉल्यूम सोल्ड हुआ, सेल हुआ। सिमिलरली टोटल कितना सम ऑफ ग्रॉस सेल्स इन फर्स्ट मंथ ऑफ बर्टिनो ब्रांड कितना हुआ। तो ऐसे करके हम करते हैं। सो टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को हटाएंगे। आई विल कीप अ ब्लैंक। मैंने क्या लिखा है देखो, कोटेशंस में सम ऑफ है एंड एक ब्लैंक है। फिर कोटेशंस के बाद में हम लोग एक एंड ऑपरेटर, इफ़ यू हैव सीन ऑल माई वीडियोज, एंड ऑपरेटर या फिर कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर इसको जो हम लोग बोलते हैं, बेसिकली ये होता है कि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को ये साथ में जोड़ देता है। बेसिकली इट एक्ट्स एज अ कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो हमने किया था अपने टेक्स्ट फंक्शंस में। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड के साथ यहाँ पे वॉल्यूम वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे। सो दैट व्हेन आई ड्रैग दिस तो क्या होगा, जब मैं इधर आऊँगी तो ये B5 क्या हो जाएगा, B7 हो जाएगा ना, अपने आप सम ऑफ ग्रॉस सेल्स मुझे मिल जाएगा। तो मुझे एक चीज़ और करना है, खाली यहाँ पे ग्रॉस सेल्स है, ग्रॉस सेल्स इनकम नहीं है। सो आई विल जस्ट रिमूव दिस इनकम एंड मेक इट ग्रॉस सेल्स ओनली, बिकॉज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही मुझे अपने टेबल में भी रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का ग्रॉस सेल्स। नाउ अब इसको मुझे क्या करना है, इस सेम चीज़ को मुझे राइट ड्रैग करना है। नाउ व्हेन आई ड्रैग दिस राइट, एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज इट हैज़ बिकम C5, सम ऑफ C5। C5 क्या है, ये है, तो ये नहीं होना चाहिए था, सम ऑफ वॉल्यूम ही रहना चाहिए था। सो अगेन मेरा रेफरेंसिंग में एरर हुआ। कहाँ रेफरेंसिंग में एरर हुआ है, बी के पहले, बिकॉज माई कॉलम शुड बी सेम, दिस कॉलम शुड बी सेम। तो मुझे बी के पहले, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कब वी नीड टू यूज़ द एब्सोल्यूट साइन। सो यहाँ पे बी के पहले, वाई, बिकॉज आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर कॉलम टू बी फिक्स्ड। नाउ व्हेन आई ड्रैग दिस टू द राइट,
तब देखो आई हैव माई करेक्ट आंसर. नाउ दिस पर्टिकुलर फंक्शन आई कैन कॉपी एंड आई कैन पेस्ट टू ऑल द सेल्स. एक बार मैं दिखा देती हूँ. सम ऑफ B7 यानी ग्रॉस सेल्स, पिवट टेबल A3 ईयर C2 विच इज 2015 डिवाइडेड बाई 1000. मैंने कुछ नहीं किया, एक फंक्शन जो यहाँ पे था मैंने उसमें थोड़े से चेंजेस किए. क्या क्या चेंजेस किए? ईयर का चेंज किया यहाँ पे एंड सम ऑफ वॉल्यूम का चेंज किया, एब्सोल्यूट किया एंड सब जगह उसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते जाएंगे. सो दिस इज हाउ नेट सेल्स देखो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी आई रिमूव दिस वंस. सम ऑफ सम नेट सेल्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि मैंने सम ऑफ दीज टू किया था, सम ऑफ दीज टू किया था तो ये अपने आप कैलकुलेट हो गया एंड दिस इज कमिंग इन माइनस बिकॉज मेरे डेटा में ये माइनस में ही है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई कुड हैव मेड इट इन अकाउंटिंग टर्म्स, ऐसे भी कर सकते हो या फिर इट्स बेटर आई लीव इट लाइक दैट. वाई? बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे INR मेंशन कर रखा है. आप इसको रेड कर सकते हो दिखाने के लिए कि नेगेटिव है. ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे सोल्ड कैसे निकालेंगे. सेम हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो था कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके रखना एंड इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो. कंट्रोल वी से आई कैन पेस्ट अगेन. ये मैंने कॉपी किया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके रखो एंड क्लिक ऑन ऑल द अदर सेल्स सो दैट यू सिलेक्ट दी सेल्स एंड कंट्रोल वी प्रेस करो सो दैट यू कैन पेस्ट द एंटायर फॉर्मूला एवरीवेयर. अब खाली एस्केप प्रेस करो तो ये वाला हट जाएगा. एस्केप प्रेस करने से दीज आर द माइनस साइंस नेगेटिव साइंस, इसको आई कैन मेक इट इन रेड. तो अब आप देख सकते हैं पूरा हमारे पास डेटा रेडी है. वी हैव द डिस्काउंट्स, वी हैव द ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज सम ऑफ दीज टू विच इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर हाउसिंग है, फुल डिलीवर्ड मार्जिन है. सो दिस इज हाउ आई हैव कैलकुलेटेड अपने आप मेरा सारा वेरियंस एब्सोल्यूट टर्म्स में एंड इन परसेंटेज टर्म्स में अपने आप कैलकुलेट हो गया. जहाँ जहाँ माइनस है यू कैन मेक इट रेड, मोस्ट ऑफ इट इज माइनस ओनली. सो यू कैन जस्ट मेक रेड वेर एवर इट इज माइनस, इट्स अप टू यू, और यू कैन लीव इट लाइक दैट. नाउ दिस इज हाउ आई हैव बेसिकली कैलकुलेटेड, आई हैव टेकन डाउन एक्सट्रैक्टेड ऑल माई वैल्यूज फ्रॉम द पिवट टेबल बाई यूजिंग जस्ट वन फंक्शन गेट पिवट डेटा. उसको थोड़ा सा चेंजेस किया उसमें, सम ऑफ उसको मैंने एम्परसेंट साइन, इसको हम एम्परसेंट साइन भी बोलते हैं, एम्परसेंट साइन भी लगा के मैंने चेंज किया, वॉल्यूम लगाया इधर एंड ईयर की जगह पर मैंने 2015 लगाया. सो यू ऑल कैन गो थ्रू माई स्लाइड वंस. गेट पिवट डेटा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, सिलेक्ट द फर्स्ट सेल, इट गिव्स अ स्पेसिफिक ब्रांड, वी रिमूव दैट ब्रांड, सेम वे वी रिमूव द मंथ पैरामीटर, देन वी नीड टू पेस्ट द वैल्यूज. एंड एक जनरल एरर है जो सब लोग करते हैं, दैट जनरल एरर जो मैंने स्पेसिफिकली बोला था 2015 टाइप नहीं करना है, इक्वल टू करके जो 2015 वाला सेल है वो सिलेक्ट करना है फ्रॉम द पिवट टेबल. द मोमेंट यू टाइप 2015, सपोज मैं यहाँ पे 2015 टाइप कर रही हूँ, इट बिकम्स एरर आ जाता है, पूरा सारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक्सेल विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये आपका पिवट टेबल का पार्ट है या नहीं. सो इक्वल टू 2015 एंड डन, तब आपका सारा आंसर आ जाएगा. आपको यहाँ पे 2015 एज यू ऑल कैन सी टाइप नहीं करना है, यू हैव टू सिलेक्ट इट फ्रॉम योर पिवट टेबल. सो दिस इज़ वन जनरल मिस्टेक विच मेनी ऑफ अस टेंड टू डू, मे बी जल्दी जल्दी में कर देते हैं एंड फिर वी आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि हमारा मिस्टेक एक्चुअली में क्या था. सो यू ऑल कैन कॉपी दिस डाउन वेरी नाइसली इन योर कॉपीज. इन द नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू विद द एनालिसिस.